और नए सवेरे में अब बात इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू कल से शुरू हो गया। दुनिया के 54 देशों की नौसेनाएं इसमें शिरकत कर रही हैं और इन मुल्कों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना ने भी अपने दमखम के प्रदर्शन की पूरी तैयारी की है। कार्यक्रम की शुरुआत मैरिटाइम प्रदर्शनी और IFR विलेज के उद्घाटन से हुई। और विशाखापट्टनम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी दास। ओपी, लगातार सबकी नजरें लगी हुई है इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। कल का पहला दिन था, आज इसका विधिवत उद्घाटन होना है। और बताइए हमें कि वहां पे ऐसे और कौन से खास पल हैं जो इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां एक और INS विराट का ये आखिरी सफर है तो वहीं दूसरी INS चक्र को दुनिया पहली बार देखेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें ये जो IFR है, ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, कई मायनों में खास है। आपने INS विराट का जिक्र किया और यहाँ पे INS विराट और INS विक्रमादित्य दोनों मौजूद हैं। कल अंतिम रिहर्सल हुई थी प्रेसिडेंशियल यॉट से, यानी प्रेसिडेंशियल जो यॉट है उसे समुद्र में ले गया था और पूरा रिहर्सल किया गया था। जिस तरह से जो है वो जो तमाम जो शिप्स हैं, जो तमाम जो पोत हैं, उनकी किस तरह से अगवानी होगी, वो किस तरह से सलामी देंगे राष्ट्रपति को, और ये एक तरह से एक चरण से दूसरे चरण में आगे के चरण में जाने की प्रक्रिया भी है। INS विराट का ये एक तरह से आखिरी सेरेमोनियल एक तरह से होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक या अगले साल तक इसे डीकमीशन कर दिया जाएगा। और खास बातों का जिक्र करें तो जिस तरह से आपने मैरीटाइम एग्जीबिशन का जिक्र किया जिसकी कल शुरुआत हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया को सामने दिखा रहा है और नेवी इस बात को सामने रख रहा है कि आज उसके जो तमाम संसाधन हैं, चाहे वो शिप्स हैं, चाहे वो वॉरशिप्स हैं या तमाम तरह के उपकरण हैं, 90% से ज्यादा आज भारत में बन रहे हैं, चाहे वो वॉरशिप हो या फिर वो ऑफशोर वेसल्स हो या फिर जो है तमाम तरह की मिसाइलें हों, आज नेवी जो है वो आज अपने दम पे ये सारा बना रहा है। और ये एक संदेश पूरी दुनिया को देने की कोशिश है। और एक खास बात, जो सबसे खास बात इसे कहनी चाहिए, कि जिस तरह से 50 से ज्यादा देशों की नेवी जो नौसेना वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं, 22 से ज्यादा जो नौसेना प्रमुख है अलग अलग देशों के, वो यहाँ भागीदारी कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जब हम जानते हैं कि किस तरह से आतंकवाद सर उठा रहा है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि सी फ्यूचर है, यानी जो जिस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है भारत का, कहा जा रहा है कि जो एक बड़े एक बड़ी भागीदारी जो समुद्र के जरिए व्यापार होता है, ऐसे में समुद्र को सुरक्षित होना काफी जरूरी है और ये बिना जो तमाम देश हैं उनको साथ लिए नहीं हो सकता। तो भारत जैसे देश के लिए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के कई मायने हैं। ममता जी, बिल्कुल ओम प्रकाश। और ऐसे में जिस तरीके से इतने सारे देश इकट्ठे हुए हैं भारत के इस आह्वान पर, जैसे हम नौसैनिकों के लिए शब्द यूज करते हैं अहोय का इस शब्द के साथ ही, तो भारत के आह्वान पर इतने सारे देश इकट्ठे हुए हैं, जाहिर है एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है ये जिसके ऊपर सबकी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।